बाकी सभी लोग नीचे गिरा जाए। एक बार हमारे बीच में महिला बाल विकास से सभी लोग नीचे गिरा जाए, सभी लोग एक बार नीचे गिरा जाए, अव्यवस्था ना करें। हमारे बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था के अध्यक्ष दर्शन जी से, संस्था के सचिव दिलीप जी भगोरिया, कालूराम जी कारवाल, लालचंद जी संकवाया कृपया मंच पर बता रहे हैं, और ये महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो ये प्रमाण पत्र लेके आए वो आप लोगों को दिया जा रहा है। रोहित भट्टी का सम्मान, रोहित भट्टी का सम्मान महेश, महेश गणपत कुमार गोडेला, लालचंद जी संकवाया, दिलीप जी, कालूराम जी सामने लेके आओ, सुरेश जी मनोरिया, महादेव जी गोडेला कृपया आगे बता रहे हैं एक बार, और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें। रोहित जी, रोहित भट्टी का सम्मान, प्रमाण पत्र लेके आए, प्रमाण पत्र ले संस्था का, राज्य सरकार द्वारा जो 15,000 रुपए की एफडी बढ़ाकर दी है और वो एफडी भी अभी हाथों हाथ लेके आए हैं साथ में, इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम देने के लिए कीर्ति कवाड़े ने जो ऑनलाइन का काम किया बहुत ही तारीफ काबिल है, यदि वो नहीं होती तो ये कार्य अंजाम नहीं दे पाते। तो मैं कीर्ति कवाड़िया को निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आए, और हमारे बीच में आरएस अधिकारी चंचल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको 100 रुपया अगर उसका भी बहुमान करे। सिविल इंजीनियर है और बहुत ही इस कार्य को दिन रात एक करके कोशिश करने के बाद ये अंजाम पे पहुंचे कि 26 जोड़ों को राज्य सरकार ने 15,000 रुपए की एफडी दी है। इंजीनियर है आप, मैं चंचल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पल्लवी जी को भी 100 लोटा कर माला पहनाकर उनका सम्मान करें। हमारे बीच में पधारे हैं, हम आपका संस्थान की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे। राज्य सरकार ने 15,000 रुपए जो देते हैं वो कार्य को अंजाम देकर आज हाथों हाथ लेकर आपके बीच में उपस्थित हो गई है। काफी जोड़ों को हाथों हाथ वितरण कर दी गई है अभी, और कुछ लोगों को यहाँ पर लिए अभी दे देंगे। आगे की कड़ी में स्वागत का कार्यक्रम को हम वापस पूर्ण लिए चलते हैं। हमारे बीच में पधारे हुए हैं जोधपुर नगर निगम के उप महापौर किशन जी लड्डा, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आगे पधारे, आपका साफा और माला पहना कर स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा अमरलाल जी भर की पार्षद, कृपया आप भी आगे बढ़ा रहे हैं, आपका भी, और महेश महेश गोडेला श्रीमान उपमहापौर साहब किशनलाल जी लड्डा साहब का साहब और माना से स्वागत करें। अरे आवत माना हमारे 108 नंबर से फेमस श्री अमरलाल जी, जब कभी भी गाओ हर काम के लिए तत्पर और हाजिर, कभी किसी को मना नहीं करते हैं, कोई भी काम कभी भी हो, हमारे हरपन मौला है पार्षद श्रीमान अमरलाल जी। इसी के बीच में हमारे बीच में शशि प्रकाश जी का साफा और माला पहनाकर स्वागत है, तुम्हारा निवेदन करना चाहूंगा, कृपया शशि प्रकाश जी आगे बता रहे, और राम निवास जी मंगरोला से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राम निवास जी मंगरोला, श्रीमान शशि प्रकाश जी, जोधाराम जी भोपरी आप ही कृपया मंच पर बता रहे, महेंद्र जी घोड़ेला पूर्व युवा मंच के अध्यक्ष, ओम प्रकाश जी घोड़ेला युवा मंच के अध्यक्ष, ओम प्रकाश जी भोपरिया आप ही मंच पर बता रहे, भीमसेन जी आप ही मंच पर बता रहे, युवाराम जी कृपया आगे बता रहे, आपका सपा बनाकर आपका बहुमान किया जा रहा है। रोहित भट्टी से बता रहे हुए कृपया आगे बता रहे,
देचू वाले किशन जी घोड़ेला घर पे आगे पधारे हैं और कंवरलाल जी आप भी पधारे आगे, साफा पहना कर आपका अभिमान कर रहे हैं। नारायणलाल जी अक्षर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि घर पे आप भी पधारे, आपका भी साफा और माला पहना कर आपका अभिमान करेंगे। ओम प्रकाश जी घुड़ेला ओजवर्द समाज सेवी ओम प्रकाश जी का साफा पहनाकर स्वागत और माला पहनाकर स्वागत। वीरेंद्र जी उदयपुर से पधारे हैं, मेवाड़ से घर पे आप पधारे आगे, आपका भी साफा पहनाकर बहुमान। वीरेंद्र जी और कौन हाथ है, रोशन जी और मेवाड़ से पधारते सब भेजे थे हमने, उस दिन भी पधारे थे और आज पुनः पधारे हैं कि जय राणा प्रताप की और जय शिवा सरदार की। रोशन जी भारतीय स्टेट बैंक के सुरेश जी और दिवाकर जी देवड़ा जिन्होंने बीमे करवाए हैं, युवा समिति थोड़ा भोजन भोजनशाला में पधारा, सभी से आग्रह है भोजनशाला में थोड़ी भीड़ है तो अपने गंतव्य स्थान पर विराज रहे हैं, भोजनशाला में भीड़ है अभी थोड़ी देर इसी पंडाल में पंखों कूलर का आनंद ले, एक आधे घंटे में भीड़ समाप्त हो जाएगी तभी आप लोग भोजन कर लेना। सभी से आग्रह निवेदन भारतीय स्टेट बैंक के सुरेश जी और दिवाकर जी देवड़ा जिन्होंने वर वधुओं के बीमा के प्रमाण पत्र बनाए हैं उनका भी साफा माला से स्वागत अभिनंदन। अजय जी घड़ी में हमारे बीच में है, एसी साहब पधारे हुए हैं, नारायण लाल जी घुबरिया साहब कृपया आपका साफा और माला पहनाकर आपका बहुमान किया जा रहा है। इसी के साथ में हुक्माराम जी सिंगाठिया समाज सेवी हमारे श्री अजय जयंती के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध, आपको भी माला और साफा पहनाकर आपका बहुमान कर रहे हैं हुक्माराम जी सिंगाठिया का। इनके पश्चात में नांद्री से पधारे हुए हैं किशन जी, कृपया आगे पधारे, आपका साफा पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। जी साहब आगे बता रहा हूँ भागीरथ जी, जॉब लेने वाले वो सब कहना चाह रहे हैं जयपुर जिला से उनके सार्थक शब्दों का। भागीरथ जी ध्वनि राम जी दुगुदिया से भी निवेदन कर पाया ऊपर बता रहे, बाबूलाल जी भुगरिया के आर पुरम बेंगलोर से पधारे हैं हमारे प्रतिनिधि, वो भी मंच पर पधारे भागीरथ जी जोबलेर जयपुर। हेलो परम सम्मानीय मंच, आज के इस कार्यक्रम के जो युवा समिति के उनके अध्यक्ष महोदय जी, मेरे समाज बंधुओं बहनों मातृशक्ति और युवा शक्ति मित्रों, ये जो कार्यक्रम रखा गया है जो अपने पावन भूमि मारवाड़ की भद्रादी है, इतना भद्रादी कार्यक्रम का आपने आयोजन देकर फतेहरा जी का साफ तैयार कर दिया है। मैं इस मारवाड़ के खूटा जोधपुर इसको मैं बारंबार मेरी तरफ से नमन करता हूं और जो मंच पे विराजमान संत श्रोमणी
उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के जो कार्यक्रम का जो आयोजन मैंने देखा, तो मैं जयपुर क्षेत्र से आया हूँ और मेरी अभिलाषा थी कि मैं जोधपुर के कार्यक्रम को देखकर मैं अपनी प्रेरणाओं को आगे बढ़ाऊँ। मैं भाई दशरथ जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दशरथ तो हैं, लेकिन ग्यारहवा रथ मुझे मान लें तो जयपुर और जोधपुर भारत बारहवें ग्यारहवें रथ हो गए। तो साथियों, आप समाज का बंदा कहीं पर भी हो, मेरे कुछ ठेस है सुनने का प्रयास करना। आप लोग दूर दराज से जा खड़े हैं, मेरी आवाज सुने, मेरे समाज के प्रति कुछ ठेस है। उस ठेस का मंतव्य है कि मेरा समाज आज बिखरा हुआ है हर क्षेत्र, वो संगठित नहीं है, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर, वो विभिन्न नामों से परिचित है। वो अपने अपने नामों को यूं कहते हैं कि हम वो महाराणा सांगा है, हम फलाना ढीकड़ा है, हम अपने अपने नामों को ऊंचा करते हैं। वो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, वो एक प्रजापति समाज की औलाद है। और आप इसको अपने मानसता में ये बैठा लें कि मेरा समाज, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, किसी भी धरा पर जाए, वो प्रजापति समाज का नाम ऊंचा करे और अपने भावों को, विचारों को इस समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहे। अभी मैंने बैठे बैठे खूब भामाशाहों का नाम सुना। उन भामाशाहों को मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान की कृपा हो कि उनके आंख में कोई दर्द भी न हो, किसी प्रकार की पीड़ा भी न हो, और इस प्रकार के आयोजन हमारे समाज के बीच में हर वर्ष हर क्षेत्र में, ये नहीं जोधपुर ही हम इसको एक निर्धारित निश्चित जगह बना ले। अपने 33 जिले हैं, 33 जिलों में हर जिले में इस प्रकार का आयोजन होगा, समाज संगठित होगा। आज समाज की विघटन स्थिति से आप और हम परिचित हैं, क्योंकि मैं हर सभा में जयपुर क्षेत्र के जितने भी जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं सहभागिता अपनी ओर देता हूं। लेकिन मेरे समाज बंधु, ये विचार रखना है कि जया कहीं पर भी अपन जाएं, एक मन में विचार रखकर जाए कि मेरा समाज संगठित हो और एक संघ में हो। आज अपन देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में अपन बहुत पिछड़े हुए हैं। कौन कहता है? जगह जगह देखिए आप, हर कम्युनिटी में देखिए, हर जाति में देखिए, अलग अलग उनके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब उनका नाम होता है तो वो सारे संगठित होकर कुमार समाज के जो बेचारे सीधे साधे बंदे हैं, उनका जो मानसता है उनसे वो दूर हटकर और वो अपने विचारों को अलग से लेकर उनको राजनीति में से परे हटा देते हैं। क्यों ऐसा क्यों? तो आपकी एकता और आपका संगठन, और मैं कह रहा हूँ शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और ऐसे आयोजन, क्योंकि समाज एक अपना मध्यम वर्ग है, इसमें क्या है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे आयोजनों को करने के लिए बाहर आप में आ गए। और जो इस संस्था को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ मेरी ओर से कि ऐसा आयोजन बराबर करते रहे, धन्यवाद। जय श्री महाराज। बहुत धन्यवाद। आप मंचासीन महानुभव हैं, आप मंच पर ही विराजे, मंच की ही शोभा बढ़ाए। राम सहाय जी और मार साहब जो भी रिटायर्ड हुए नहीं है, लेकिन मैं आपको इशारा कर दूं, आप अगर मंच की शोभा नहीं बढ़ाएंगे तो मैं जयपुर चिट्ठी लिख दूंगा। राज को राज मत रहने दो, आपसे आग्रह है। जोबनर वाले राम साहब जी और आप दोनों भी अब इतनी दूर से आप आए हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। नारायण जी लुणिया, सादरी वाले और उनके सहयोगी साथी मंगीलाल जी, जिन लोग भी आओ, बीजोवा वाले, आपका स्वागत अभिनंदन। और आप दिल थाम के बैठिए, जिगर थाम के बैठिए। जो उद्बोधन 2017 में इसी पंडाल में मिला था, 2017 ज्येष्ठ शुक्ला नवमी मसूरिया मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में परम श्रद्धेय सिद्धगिरी जी महाराज का आशीर्वाद मिला था। महाराज तो हमेशा शेरों की तरह तैयारी रहते हैं, किसी के सपूत ना कोई तैयारी, ना कोई सिंह का सिंहासन होता है, सिंह अपने आप सिंहासन पर बैठते हैं। तो सिद्धगिरी जी उज्जैन जागीर के महंत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पुरोधा है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन है
सिद्धगिरी जी महाराज साहब के श्री चरणों में कि आप आज इस हमारे समाज ही नहीं सत्य सनातन धर्म के प्रति और जो हमने बीड़ा उठाया है कि एम्स वाला अगला कार्यक्रम वही है और जोधपुर में एम्स जो जोधपुर का एम्स है पूरे भारत में दूसरे नंबर की सेवाएं दे रहा है। तो सिद्धगिरी जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन आप कृपया बिराजे बिराजे ही उद्बोधन दे सकते हैं। अब एक निवेदन प्रार्थना रिक्वेस्ट आपस की चर्चा नहीं करेंगे महानुभाव से निवेदन है प्रार्थना है आप उज्जैन से चलकर बता रहे हैं 2017 में आए थे अपने बसुरिया की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उसके पश्चात मेरा मिलना जुलना हुआ एक दो बार वासनी में भी आए थे 2018 में तो आपका उद्बोधन बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन रहता है। जय हो मंच पर विराजमान सभी समाज के भामाशाह और मंच के सामने सभी समाज के गणमान्य प्रबुद्ध जन और मातृशक्ति मैं आप सभी के श्री चरणों में शब्दों के पुष्प चढ़ाने आया हूँ। क्या आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है। बंधुओं मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैंने कुम्हार समाज में जन्म लिया और जहां भी जाता हूं पूरे भारत में कम से कम 600 मंचों पे बोल चुका हूं ओनली कुम्हार समाज के और वहीं खड़ा होके कहता हूं हां मैं कुम्हार हूं। और यही ताकत अगर हर कुम्हार के बच्चे में आ जाए तो समाज रातों रात संगठित होकर समाज की कायाकल्प हो सकती है। बंधुओं अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है मैं बहुत तहे दिल से आत्मीयता से साधुवाद देना चाहूंगा आप सभी कार्यकर्ताओं को आप सभी समाज सेवकों को। और पिछले 4 साल से मोबाइल पर दशरथ जी की और हमारी मंत्रणा चल रही थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने की और उसमें विशेष साधुवाद उनको देना चाहूंगा जिन्होंने भूमि दान दिया है जिन्होंने वर को घर दान दिया है। एक पूरे भारत में एक अनूठा अकेला कार्यक्रम जोधपुर की धरती पर वीर और वीरांगनाओं की धरती पर कुम्हार समाज के द्वारा हो रहा है जिसमें घर दान दिया जा रहा है। पूरे भारत में कहीं घर दान नहीं दिया जाता तो इसलिए बार बार आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं क्या बड़ाई करूं इस समाज की इस समाज से सारा संसार चलता है इस समाज के रीति रिवाजों से सारे संसार के धर्म चलते हैं। ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन तुम कर रहे हो ना ये सबसे पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन कहां हुआ? महाराज दक्ष प्रजापति जिनकी 60 कन्याएं और एक ही बार बारात आई उसमें शिव जी भी दूल्हा बनकर आए थे। दक्ष प्रजापति की हम संतान है और हमारे द्वारा सारे भारत के समाज के लोग सामूहिक विवाह करते हैं। अभी गोविंद वल्लभ जी ने कहा सनातन संस्कृति में 16 संस्कार है तो 16 संस्कार भी दक्ष महाराज नहीं बनाए। कोई भी जाति कोई भी धर्म किसी भी राष्ट्र का प्राणी हो इन्हीं 16 संस्कारों के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता है। अरे नाम रखता है कि नहीं रखता है? नाम संस्कार हमारा विवाह संस्कार हमारा चाहे तुम सेरा बांधो या मोड़ बांधो शादी तो करते हो और हमारे संस्कारों द्वारा ही सब रीति रिवाज निभाते हो हल्दी मेहंदी सब लगाते हैं हमारे संस्कार। अरे कोई दफना देता है कोई जला देता है तो हमारा ही संस्कार हमारे संस्कार से कहां वंचित हो कहीं वंचित नहीं है। और तो और बंधुओं मैंने किसी सभा में एक बात कही थी हां गर्व से कहो हम कुमार हैं और सारी दुनिया के लोग टाटा हो अंबानी हो बिरला हो एक छोटे से कुमार से सत हार सकता है भगवती एक छोटे से कुमार से सत हार सकता है। कुमार मिट्टी के चाप परिवर्तन बनाता है वही हमारी पहचान।
कुम्हार हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। बंधुओं, हम चारों युगों में हमारी पहचान है। सनातन संस्कृति जब डूब रही थी, सनातन धर्म डूब रहा था, तो न ब्रह्मा आए, न नारद आए, न विष्णु आए, कोई नहीं आए हिरण्यकश्यप के सामने। एक शेरनी की बेटी मां श्री आदि ने कहा, नहीं, तेरे नाम में शक्ति नहीं है, और अपनी तपस्या के बल से बिल्ली के बच्चे आग से बचा दिए। ऐसी भक्त शिरोमणि की हम संतान हैं, और चंचल जी हम किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। अभी तो हम जिंदा हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक समाज को शिखर पर पहुंचाकर ही क्षमा भी लेंगे। ये बात आपके सामने कह रहा हूं। हम भगवान कृष्ण की माखन मटकी बनाने वाले, हम लोग भगवान राम के राजाभिषेक में दीपक बनाने वाले, हम लोग मोहन जोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की पहचान दिलाने वाले, हम लोग आज से 8,000 साल पहले हमारी संस्कृति जीवित थी, है। पर कहीं दुख इस बात का होता है, चंचल जी के शब्दों को लेता हूं, चंचल जी आपका दुख नहीं है, मेरा भी दुख है। मुझे कोई आश्रम नहीं बनाना, मुझे कोई मंदिर नहीं बनाना, मुझे सिर्फ एक काम करना है, एज प्रजापति समाज का अस्तित्व पूरे भारत में चमकाना है। और इसीलिए मैं पिछले 10 साल से घूम रहा हूं, और क्रांति आ गई है। अब हम पैसे में कम नहीं है, धनबल में कम नहीं है, बाहुबल में कम नहीं है। राजस्थान की 40 विधानसभा ऐसी है जहां निर्दलीय निकल जाए, पर हम हनुमान की तरह हमारी ताकत को खोए हुए बैठे हैं। हम हमारी स्थिति भूल गए हैं। कैसे? अभी दशरथ जी ने कहा, चंचल जी ने कहा, हम उस फल की तरह हैं जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज मेरे जैसा हो, ऑरेंज संतरा, वो बाहर से बिल्कुल एक कलर दिखेगा दशरथ जी, बिल्कुल एक कलर दिखेगा, छिलका उतारोगे तो उसकी अलग अलग पार्टीशन, अलग अलग भाग दिखेगी, है कि नहीं? दिखता है ना। पर बंधुओं, थोड़ा और आगे सोचो, उस संतरे के हर भाग को, हर छिलके को खाइए, रस एक जैसा दिखता है कि नहीं? रस अलग अलग नहीं होता। हम चाहे पूर्विया है, चाहे हम सोरठिया है, चाहे हम मरेठिया है, पर है कुम्हार, है कुम्हार हमारी एक पहचान। और जब कुम्हार समाज की बात अस्तित्व पर आ जाए, तो उस संतरे की तरह रहो, उस संतरे के जूस की तरह रहो, हम एक है। ये परिचय आपको देना चाहिए, और आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, पर हिम्मत है, मेहनत है, तो मैं राजस्थान के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी जाना चाहता हूँ, और राजस्थान की सरकार को झकझोरना चाहता हूँ कि आप कबीर जयंती की छुट्टी रखते हो, राम जयंती की छुट्टी रखते हो, तो मां श्री यादव के जन्मदिन की छुट्टी क्यों नहीं रख सकते? इस बात के लिए आप सब लोग अगर राजी हो तो एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिएगा हाथ खड़ा करके, मैं आप सबके गाँव में, आपके सड़क के घर में आऊंगा। और मैं बहुत जल्दी एक यात्रा निकालूंगा, अकेला एक झंडा यादव माँ का लेकर निकलूंगा, और पूरे राजस्थान के 33 जिलों में घूमकर गहलोत सरकार को निवेदन करूंगा कि एक दिन इच्छित अवकाश रखने में आपकी क्या जाता है, और वो रखेंगे। जब तक जनशक्ति मजबूत होगा तो समाज का विकास होगा। हमें दो बातों पर ध्यान रखना है। चंचल जी ने कहा कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध अपने बच्चों को, बेटियों को पिलाइए। मेरे सामने दो मात्र शक्ति, अभी तो 20 होना चाहिए, पर ये कोटा से प्रियंका बहुत अच्छा बोलती है और बहुत अच्छी तैयारी, आरएस की तैयारी कर रही है। ये आपकी बहू भी है, आपकी बेटी भी है। अरे आप गणेश चतुर्थी के लिए दान देते हो, भागवत के लिए दान देते हो, किसी मठ मंदिर के लिए दान देते हो, तो किसी बेटी को पढ़ाने के लिए 1,000 रुपया दान देकर तो देखो, 1,00,00,000 रुपए भगवान आपको देंगे। शिक्षा दान, महादान। ऐसे प्रतिभावान छात्रों को आपके आसपास हो, उनको गोद लेकर पढ़ाइए। शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएंगे, और संकल्प लो, पूरे राजस्थान में 33 जिले हैं, और 33 जिलों में 15 कलेक्टर कुम्हारों के बना दिए आपने, फिर देखो समाज का उत्थान।
कैसे होता है, पर वो कलेक्टर आपकी सेवा कब करेगा, जब आपका पैसा उसकी पढ़ाई में लगेगा तब, नहीं तो बाप की जमीन बेचकर वो कलेक्टर बनेगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपके पास पैसा है, आप अपना पैसा दूसरी जगह ना देकर शिक्षा में दीजिए। और सब समाज राजनीति करते हैं, तुम क्यों पीछे हो भैया, क्यों पीछे हो? हम किसी मंच पर बोलते हैं ना नसर जी, तो कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, राजनीति का नाम नहीं लेना, राजनीति का नाम क्यों भैया? अरे राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति अगर गंदी होती तो इस देश का ब्राह्मण राजनीति नहीं करता, इस देश का जाट राजनीति नहीं करता, इस देश का राजपूत राजनीति नहीं करता, इस देश का गुर्जर राजनीति नहीं करता। अरे तो कुमार क्यों पीछे है? अरे वोट ही तो देना है, चुनावी तो लड़ना है, लड़ना सीखो ना। जब तक लड़ना नहीं सीखोगे आपके अधिकार को आप नहीं ले सकोगे। इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए मैं समाज को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप मेरा उपयोग जब चाहो तहां कर सकते हो। मैं कैसा चंदन हूं कि जितना घिसोगे उतनी खुशबू दूंगी। रही बात एम्स की, दशरथ जी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एक एक रुपया भी अगर मांगेंगे तो करोड़ों का झोली आपके अंदर भर देंगे। मुझे नहीं चाहिए, जब एम्स की बात आ रही तो एम्स में बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन भूमिदान दाताओं को जिनका दिल समाज के लिए दान करने को होता है। समाज का पैसा, समाज का विकास, समाज का नाम तो बाहर कहां जाए। और मैं भी आपका बाबा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस समाज की सेवा चाहिए। तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, और सारा जीवन समर्पण समाज को। अब क्या चाहिए ना, मेरे लिए कुछ चाहिए नहीं, बस मेरा समाज शिक्षा में और राजनीति में अग्रसर हो, उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और करता रहूंगा। इस सुंदर कार्यक्रम को बनाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए आप सब लोगों ने तन मन धन से जो सहयोग किया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और जब भी जहाँ पर भी बुलाओगे, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, बस एक फोन पर आ जाता हूँ और मेरी कोई डिमांड नहीं, बस मैं आपके जैसा पैदल चलने वाला बाबा हूँ, आपका दास हूँ। शब्दों के पुष्प आपको चढ़ाए हैं, अगर स्वीकार हो तो रखिएगा, नहीं तो माँ श्री यादव के चरणों में आप रख दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री यादव, जय गुजराती समाज। जो उद्बोधन आपने सुना है, इस उद्बोधन में केवल क्रांति है, शिक्षा की क्रांति हो, चाहे शक्ति की क्रांति हो, चाहे भक्ति की क्रांति हो, महाराज ने आश्वासन दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं निवेदन करूंगा अशोक जी, मदन जी प्रांगणा से कि मंच पर पधारे, महाराज श्री आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विष्णु जी और महाराज श्री, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारे इस युवा साथी का। बिल्कुल निष्काम, जिस तरह से आपने कहा है कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूं ये संस्थान करेगा। अशोक जी, मदन जी, प्रांगणा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतों के शरण में कोटि कोटि प्रणाम, और कहा भी जाता है स्वागत अभिनंदन हो रहा है हमारे भाई का, सभा और माल्यार्पण से तालियों से स्वागत अभिनंदन। सब काम कर रहे हैं लगातार, काफी दिनों से मारवाड़ कुमार प्रजापति समाज संस्थान के साथ में मिलकर सभी जगह, चाहे कार्ड देने हो, चाहे और कहीं जाना हो, किसी के साथ जाना हो, कहीं भी पानी की तरह विशुद्ध। अशोक जी का स्वागत अभिनंदन। अब मैं भंवर जी, जैनाराम जी, रिटायर्ड सैनिक, आपसे आग्रह निवेदन, आपका भी उद्बोधन रहे, जो आपने
देहरादून से चूल्हे मंगा कर दिए हैं। आपका स्वागत अभिनंदन श्रीमान जैनाराम जी। भंवर जी, भंवर जी, सोनीबाई भवन के पदाधिकारियों का सर्प माला से स्वागत करेंगे विष्णु प्रकाश जी। सोनीबाई भवन के पदाधिकारियों का सापा और माला। मदराज जी, हीरालाल जी, प्रांगा मंच पर पहुंचो, आपका स्वागत अभिनंदन। चापा वाले कुछ कहना चाह रहे हैं मोरवाल साहब। जिस प्रकार गंगा जी का जन्म निरंतर बहता है, उसी प्रकार इस धरती पर महापुरुषों का जन्म सदा ही होता रहता है। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर धर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता है और धर्म के बिना यह संसार साल भर भी नहीं रह सकता है। आप भी संसार में संत जन हुए रहते, अपना योग साधना द्वारा संसार का कल्याण कर रहे, बंद मान कर नहीं